साहू, आप देख रहे हैं टेक प्लस ज्ञान चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि हम जो अपने चैनल का बैनर कैसे बनाएं। जैसे आप सामने देख रहे हैं मेरा चैनल का बैनर, क्या आप भी ऐसा बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल के जो है पूरा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाते भी हैं और कैसे इसको डालते भी हैं। सो अगर आप जो है लोगो बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर देखिए चैनल का लोगो, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल से आप देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। अभी मैं बात करूँगा कि हम जो अपने चैनल का बैनर कैसे बनाएंगे। तो बैनर बनाने के लिए मैं देखिए आपको बताऊँगा, पूरा वीडियो देखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल का कर देना सब्सक्राइब, कर देना लाइक वीडियो को अभी, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे बना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको जो है पिक्सल ऐप को ओपन करना है, क्योंकि गाइस अगर आपको बैनर बनाना है तो पिक्सल ऐप के अलावा आप नहीं बना सकते, क्योंकि जितना भी सभी का यूट्यूब का बैनर बनता है पिक्सल ऐप से ही बनता है। तो पिक्सल ऐप का मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर इंस्टॉल कर लेना। और मैं आपको हो सकेगा तो एक जो है फ़ोटो भी का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उस फोटो को डाउनलोड कर लेना, या फिर मत करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पिक्सल ऐप को आपको ओपन करना है। फिर देखिए मैंने यहां पर बनाया था ऐसा, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो है इस शुरुआत से बताता हूं, सबसे पहले मैं इसको जो है कर देता हूँ, शुरुआत से ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसा पेज ओपन होगा जब आप पिक्सल ऐप को ओपन करोगे, तो यहाँ पर देखिए आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पास आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, कहाँ पास उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पास देखिए 3 डॉट दिया है, 3 डॉट पर आपको जाना है। फिर यहाँ पास जाना है आपको इमेज साइज पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पास देखिए ऐसा एक पेज ओपन दिखेगा, तो क्या यहाँ पास कस्टम पर जाना है। कस्टम यहाँ पास देखिए आपको यूट्यूब चैनल बैनर दिख जाएगा, इसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट को आपको क्लिक करना है, यहाँ पास देखिए डिलीट है, डिलीट कर देना है। वैसे क्यों कर आपको बताऊँगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पास देखिए एक टेक्स्ट दिया है ए, यहाँ पास जाके यहाँ पास टेक आप यहाँ पास लिख सकते हो जो लिखना है। आप जो है इसको बना लेना टेक्स्ट अपने चैनल का, फिर उसके बाद चैनल का आप टेक्स्ट यहाँ पास लिख के बना सकते हो। फिर क्या करना है, और यहाँ पास देखिए आप जो है पिक भी डाल सकते हो अपना, एडिट पर जाकर आप यहाँ पास और लिख सकते हो जो भी लिखना चाहते हो मैं ठीक। और फिर यहाँ पास देखिए नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, यहाँ पास देखिए इमेज, अब यहाँ पास जाके अच्छे से इमेज भी ले सकते हो ये इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली ये सब हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है, बस हमको यहाँ से टेक्स्ट लिखना है और अपना फ़ोटो यहाँ पास डालना है। फ़ोटो के लिए भी यहाँ पास ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पास बहुत से ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ से बनाना है। आपको 3D टेक्स्ट भी कर सकते हो, 3D टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, इसको अनेबल कर दो। उसके बाद यहाँ पास देखिए 3D टेक्स्ट भी कर सकते हो, यहाँ पास देखिए 3D टेक्स्ट भी लिखा रहा है ठीक। और फिर क्या कर सकते हो, उसके बाद आप जो है यहाँ पास देखिए बैकग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड भी आप ले सकते हो, उसको इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो फिर क्या करना है, इसको मैं क्या करना है आप देखिए, अब यहाँ पर मैं प्लस में जाऊँगा और अपने जो गैलरी से एक मैं बनाया हूँ उसको मैं यहाँ पर लाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये इसको मैं अगर आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको बनाया हूँ। एक फ़ोटो यहाँ पर ले लेना है, आप इसमें भी बना सकते हो। मैं उसके बाद क्या करना है, इसको आपको जो बैनर के साइज में ऐसे आपको यहाँ पर से इसको आप चाहे पूरा कर सकते हैं, लेकिन बैनर के टाइम आपका कुछ ही आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा आपको कुछ प्रकार से जमाना है बैनर के अनुसार। फिर जमाने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट इमेज, फिर यहाँ पर सेव इमेज, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद www.flickr.com करके अपने चैनल का लिख के लाना है, लिखना वहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है देखिए लोगों का है, और यहाँ पर देखिए इस क्लिक करोगे तो एडिट चैनल और चैनल आर्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर फाइल, उसके बाद
उसको ले लेना है, कुछ और वेट करना है, प्रोसेसिंग लेगा। तो ये देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग का आपको ये देखिए प्रोसेसिंग ले ली। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर चैनल पे एडजस्ट द क्रॉप, तो देखिए मैं यहाँ पर छोटा सा क्यों लिखा था, क्या है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस प्रकार से। अगर पूरा करता तो पूरा नहीं आता, इसलिए मैं इसको एडजस्ट करके ऐसा छोटा बनाया हूँ। उसके बाद यहाँ पर यह सेव का सेलेक्ट हमें कर देना है, फिर इस प्रकार से आपका बैनर बन जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाइक कमेंट बताया कैसा बनाया है। धन्यवाद गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।